इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर यूएन का 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी। गाजा पर इसराइल के हमले लगातार जारी है। इसराइल के हमले में पीआरसी का प्रमुख अबू हिलाल मारा गया है। अबू हिलाल मिलिट्री ब्रांच का प्रमुख था। इससे पहले इसराइल के हमलों से हमास को दो बड़े नुकसान हुए थे। इन हमलों में इसराइल ने एक तरफ हमास नेता इस्माइल के बेटे हाजेम को मार गिराया था। गाजा में इसराइल के हमले के बाद मची तबाही से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच रूस ने गाजा पट्टी के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए राहत सामग्री के साथ एक विशेष विमान मिस्र भेजा है। ये विमान गाजा पट्टी के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रतिनिधियों को सहायता सामग्री सौंपेगा। इसराइल के साथ घमासान में हिजबुल्ला के 13 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। इसराइली डिफेंस फोर्स का दावा कि हिजबुल्ला के 13 और इस्लामिक जिहाद के 2 आतंकी मारे गए हैं। वहीं इसराइल ने गाजा के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। इसराइल ने गाजा के कई इलाकों में रात भर बम गिराए। धमाकों की आवाज से गाजा के कई इलाके दहल उठे। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायली नेवी और एयरफोर्स दोनों ही गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं।